नमस्कार दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल ऑनलाइन सीखे ए टू जेड पे स्वागत है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एक नोटिस निकल के आया है उन स्टूडेंटों के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, ना तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है ना तो सेकंड लिस्ट में आया है। तो उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ज़रूर नाम आ जाएगा। एक नोटिस में ये आया गया है कि कॉलेज आप लोग को जो 3-4 सिलेक्ट किए हैं वो 10 सिलेक्ट करना है, और जो भी आप कैटेगरी हैं जाती हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या नोटिस आया है और 10 कॉलेज आपको कैसे सिलेक्ट करना है। 10 कॉलेज तो मस्ट स्टूडेंट की सिलेक्ट आपको करना ही करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। आप लोग पहले 3-4 हमारी बात ध्यान से सुनिए, उससे आप लोग का जो भी प्रॉब्लम और डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, जिन स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उन स्टूडेंटों को टेंशन नहीं लेना है, थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नाम ज़रूर आएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट ऑनलाइन किए हैं उन्हीं का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो ऑनलाइन नहीं किए हैं उनको स्पोर्ट राउंड में मौका दिया जाएगा। तो आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए, स्पोर्ट राउंड का इंतज़ार कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट 3 या 4 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उनको अब 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है। 10 कॉलेज तो दम मस्ट हो गया स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, आप लोग इस बात को दम ध्यान से सुन लीजिए। तो आइए अब आपको हम प्रूफ के साथ क्या नोटिस आया है, कैसे 10 कॉलेज सिलेक्ट करना है और कैसे कैटेगरी को चेंज करना है आपको इस वीडियो में हम पूरा विस्तार रूप से बताते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और देखिए क्या नोटिस आया है और आपको 10 कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का यही एक नोटिस आया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ऐसे मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इसमें क्या नोटिस आया है। इसमें यह है नोटिस कि मतलब कि इसमें 60,000 सीट है जिसमें 44,000 सीट नामांकन ले चुके हैं, और इसमें जो कि अच्छे अच्छे कॉलेज थे उनका मतलब सिलेक्शन किया गया, तो उसका सीट भर जाने के कारण जो भी अभी सीट खाली है उनको स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं किए हैं, इसीलिए कॉलेज को अतिरिक्त बढ़ा दिया गया। इसलिए आप लोग से कहा गया है कि मिनिमम कम से कम आपको 10 कॉलेज सिलेक्ट जरूर करना है। और देखिए सबसे नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको में लिखा हुआ है कि ये सुविधा सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए जो कि ऑनलाइन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाके किए थे उनके लिए है। और एक बात इसमें और है कि आपको इसमें 10 कॉलेज ज़रूर सिलेक्ट करना है। तो चलिए आपने तो ये देख लिया कि नोटिस क्या आया करना है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, और आपको जाति चेंज करना है तो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा PEUP, बस इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर में आ रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर में आ रहा है UG PG डिग्री आई एडमिशन 2019 लिंक, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऐसा फॉर्म एक खुल जाएगा। तो ऊपर से दूसरा नंबर जो आ रहा है एप्लीकेशन लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए जब आपने ऑनलाइन किया था तब आपको यूजर नेम और एक पासवर्ड दिया गया है, इस यूजर नेम और पासवर्ड को इसमें फिल कर दीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। बस ये फॉर्म भरा गया, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए तो इस पर आ रहा है 3 गोरा होम व्यू एप्लीकेशन, उसके बाद सबसे नीचे चले जाइएगा, नीचे जाने के बाद आपको देखिए आ रहा है यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको जो जाति है वो आपको जाति भी चेंज करना है, कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप अपना जाति चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसने BC2 सिलेक्ट किया है इसका। देखिए आप चाहिएगा तो नीचे लिख रहा है अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड, इस पर आप जो भी आप जाती हैं
इसको सिलेक्ट कीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा, बस अपडेट हो जाएगा। दूसरा आ रहा है कॉलेज कोर्स चॉइस, इसको तो आप ध्यान से देख लीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉलेज जो भी है आपने जो चूज किया है, चॉइस किया है, वो नीचे दिखाएगा। देखिए इसने 10 कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। तो आप भी इसमें आप कैसे सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि आप कौन सा डिग्री लेना चाहते हैं ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि इसने BA इंग्लिश ऑनर्स लिया है तो अब इसमें इंग्लिश आ गया। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, पटना से हैं या नालंदा से, इसमें दो ही आ रहा है। बस इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट द कॉलेज ऑप्शन, देख लीजिए आपको आ गया किसान कॉलेज ऊपर आ रहा है, नालंदा कॉलेज आ रहा है, SPM कॉलेज आ रहा है। और एक चीज़ आपको बता दें, एक नया कॉलेज आया है हमारे राजगीर में, इसको कॉलेज तो कह रहे कि नहीं आ रहा है, इस पर देखिए देखिए आ रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर नालंदा, हमारी राजगीर की आन शान बढ़ाने के लिए राजगीर में डिग्री कॉलेज खुल गया, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो आप लोग जो राजगीर में हो, राजगीर के स्टूडेंट राजगीर में ज़रूर एडमिशन लें। ये BA के लिए भी है, जो BA से आर्ट्स के लिए जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए आपको हम बताते हैं कैसे करना है। जैसे सिलेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो कोई भी कॉलेज आप जैसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि RPS कॉलेज हरनौत, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब बस इस पर ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे नीचे चल जाएगा, 11 नंबर आ गया, 11 नंबर पे आपका देखिए कॉलेज हो गया। बस सेव कंटिन्यू पे कर दीजिए। बस अब इसको हम दिखा देते हैं कि आपको सही में कॉलेज वो सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए सबसे नीचे आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। और देखिएगा 11 कॉलेज देखिए सिलेक्ट आ गया है, या देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। या देखिए इसमें सबसे लास्ट में भी हम आपको एक कॉलेज सिलेक्ट करके दिखाए थे, 10 कॉलेज ने सिलेक्ट कर लिया ही है। देखिए सबसे नीचे चल जाइए RPS कॉलेज हरनौत, इसको हम सिलेक्ट किए थे, देखिए सिलेक्ट हो गया। तो आप इसी तरह से अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आज ही बार इसका लास्ट डेट है। एक चीज़ आपको नहीं बताएं कि इसका डेट 5 से 8 तारीख तक इसको नोटिस में बताया गया कि ऑनलाइन करने का डेट है, इसलिए आप लोग आज लास्ट डेट है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बस इस वीडियो में यहीं तक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।